इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि दो सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देशभर में नहीं आने वाली। यही है इनका गठबंधन, नो मिशन नो विशन, केवल कंफ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन। इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि दो सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देशभर में नहीं आने वाली। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। और देखिए ना, इतने दिन तक शाहजहां और संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया, खड़गे जी ने तो डिफेंड भी किया, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट नहीं किया, राहुल जी ने एक ट्वीट नहीं किया, क्या फायदा हुआ? अब कम से कम आज तो प्रियंका जी, अब तो सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको तृणमूल कांग्रेस से, आज तो चुप्पी तोड़िए। और पूरा गठबंधन देखिए, क्या गजब का गठबंधन है, क्या गजब का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्योंकि मिशन और विजन तो है नहीं, केवल कंफ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन और डिविजन है। इसलिए केरल से सीटें घोषित हो जाती है, वायनाड बोलते खाली कर दो, महाराष्ट्र में कांग्रेस को कहा जाता है जीरो पार्टी है, पंजाब में भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपने देखा है, यूनिलैटरली उन्होंने भी सीटें डिक्लेयर कर दी, और अब बंगाल में भी यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया है। और पहले तो ममता दीदी ने कहा था कांग्रेस की दो सीटें लेनी है तो लो वरना आपको तो 40 सीटें भी देशभर में नहीं आने वाली। यही है इनका गठबंधन, नो मिशन नो विशन, केवल कंफ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्सेशन विद मोदी, मोदी जी को गाली दो और डिवीजन वाले कार्ड खेलो। अब तो संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा जी बोल ही दीजिए, क्योंकि अब तो आपने जिस मकसद से चुप्पी साध रखी थी वो भी पूरा नहीं हुआ, सीटें भी नहीं मिली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।